हेलो एवरीवन, मैं विकास द्विवेदी आप सभी का चंद्रा इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आपकी लोअर पीसीसी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, आपने डेमो देखा होगा, तो उस डेमो के आधार पर आप लोगों ने अब तक अगर एडमिशन नहीं लिया है तो आप सभी फैकल्टी को वन बाय वन देख सकते हैं और अपना एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उतनी ज़्यादा सीटें नहीं हैं, एक लिमिटेड सीट है। तो आप अच्छे कंटेंट्स, अच्छे स्टडी मटेरियल के लिए आप चंद्रा में एडमिशन ले सकते हैं। चलिए, तो मैं आपको मैथ्स क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। तो हमारी डेमो क्लासेस फिनिश हो गई हैं, तो आपको मैं स्टार्ट करता हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज। प्रतिशतता, परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आपके अगर अब तक के लोअर पीसेस में देखें तो दो से तीन चार क्वेश्चंस यहां से मिले हैं और आने वाले एग्जाम में भी यहां से प्रश्न होंगे, इस बात की 100% गारंटी है। और परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिससे और भी जो टॉपिक हैं जिससे हम लाभ हानि को कवर कर सकते हैं, साधारण ब्याज को कवर कर सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के टॉपिक को कवर कर सकते हैं और जितने भी टॉपिक्स हैं सब में परसेंटेज का इस्तेमाल होता है। इस परसेंटेज को अगर मैं इतना ना लिख के अगर मैं आपको इतना दिखाऊँ तब भी आप समझ जाएंगे कि मैं परसेंटेज की ही बात कर रहा हूँ। बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत आसानी से मैं आपको समझाऊँगा और पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे कंटेंट्स मिल सकें। तो इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको लगता है कि आपके पास पहले से कोई क्वेश्चंस हैं या कोई डाउट आपको आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। कोई डाउट है तो उस डाउट को भी प्रोवाइड करना ना भूलें, आप ज़रूर उस चीज़ को वहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। तो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। परसेंटेज का मतलब है 1/100, इसका मतलब 100 में कितना, इतनी सी बात आप जानिए कि आउट ऑफ 100 100 में कितना। अगर इस लाइन को आप समझ जाओ कि 100 में कितना आउट ऑफ 100, यही परसेंटेज होता है बस, तो वहां से परसेंटेज का चैप्टर खत्म हो जाता है। परसेंटेज हमेशा बताती है कि 100 में आपने कितना प्राप्त किया है। 100 में जो वस्तु होती है, जो मान होता है, वही प्रतिशत में दिखाया जा सकता है। जैसे मैं छोटे से एग्जांपल से आपको बताऊं कि अगर मैं कहूं 8 20 का कितने प्रतिशत है, 8 20 का कितना प्रतिशत है, तो अगर कोई इस बात को नहीं जानता है कि 8 20 का कितना प्रतिशत है, इसका जवाब हम कैसे दे पाएंगे। तो मैं उनको कहता हूं कि 8 20 का कितना है, भाई 20 का 8, 20 में 8, तो 100 में कितना, 8 को आप 20 में बता रहे हो कि 8 20 का कितना प्रतिशत है, आप 8 को 20 में नहीं 100 में निकाल दो। तो 20 में 8 बताना है तो 1 में कितना बताना है, 8/20, 1 में 8/20, तो 100 में कितना, 100 में 8/20 गुणे 100, 20 × 100, 8 × 40, तो 8 20 का कितना प्रतिशत है, ये प्रश्न हमने बदल दिया, 100 में कितना मान है, तो 100 में कितना 40, 100 में जिसका जो मान होता है वही उसका प्रतिशत मान होता है। इस बात को अगर आपने अभी तक नहीं समझा है तो कोई बात नहीं, अभी हमने शुरू नहीं किया है, एक मैंने छोटा सा आपको बस डेमो दिखाया है, अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। परसेंटेज जो ये साइन है इसका मतलब क्या होता है, पहले आप देख लीजिए, परसेंटेज का मतलब है पर और आगे सेंट, पर का मतलब होता है प्रति और सेंट का मतलब है 100, इसका मतलब पर 100 ये, या फिर अगर मैं प्रतिशत को ले लूं तो प्रति और इसमें भी आता है शत, प्रति मतलब होता है बटा में और शत का मतलब है 100। तो कहने का मतलब है बहुत सारे हैं, प्रति का मतलब बटा, बटा का मतलब ऐसे और नीचे 100 है ना, इसका मतलब वही दिखा रहा है कि 100 में कितना। इन चीजों के शब्दों से भी आप इसका मतलब समझ सकते हो और यही मतलब आपको बताएंगे कि परसेंटेज क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत आसानी से हम पढ़ेंगे, आप देखेंगे कितनी अच्छी अच्छी चीजें आपको समझने को या सीखने को मिलेगा, बस आप अपना पेशेंस बनाए रखिएगा। हो सकता है किसी को शुरुआत में चीज़ें आती हों तो उसको बहुत आसान लगेगा, लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि जब चैप्टर खत्म होगा तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जो आप नहीं कर पाओगे।
और आपके लोअर पीसेस में बहुत ही आसान प्रश्न आते हैं। तो यहां देखो छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि 25% में मैं कह दूं 25% को भिन्न में बदलो, तो आप अब जान गए हो कि 25% प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, ठीक है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो 25 × 1 = 25, 25 × 4 = 100, तो कितना आ गया 1/4। इसका मतलब 25% 1/4, 25% भी आप कहते हो 1/4 को, 1/4 आ गया। मैं कह दूं कि भैया 50% का मान बता दो, तो आप हो गए 50/100, 50 × 1 = 50, 50 × 2 = 100, तो कितना आ गया 1/2। 50% भी होता है आधा, 1/2 भी होता है आधा, तो 50% का ही मान है 1/2। मैं कहूं कि उल्टा इसी को बता दूं, अगर आपको 1/4 दिया गया है और आपको कहा जाए कि इसको आप प्रतिशत में बता दो, तो 1/4 को प्रतिशत में लिखना है, आपको जो मान गणित में चाहिए आप पहले उसको लिख दो। 1/4 को प्रतिशत में लिखना था तो मैंने 1/4 प्रतिशत लिख दिया, लेकिन प्रतिशत को मैंने खुद लिखा है, खुद लिखा है, इसीलिए ऑप्शन में नहीं मिलेगा। मैथमेटिक्स कहती है कि आपको इतनी फ्रीडम दी गई है कि आप कुछ भी लिख दो, लेकिन उसके ही बराबर, उसके ही सब्स्टिट्यूट भी कुछ छोड़ जाओ। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100, आपने 1/100 चिपका दिया है, इसका मतलब हर में अगर 100 चिपकाया तो अंश में भी 100 चिपकाओगे, तो अंश में भी 100 चिपका दिया। आपने कहा 100 से 100 कट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस 1/100 को मैंने प्रतिशत में लिखा दिया, और यहां से 100 को 4 से भाग दिया, कितना आया 25, तो कहने का मतलब कितना आ गया 25%। 1/4 की ही प्रतिशत मान कितना आ गया 25%। तो यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर भी किसी भी प्रतिशत मान को अगर आपको अनुपात में दिखाना है या भिन्न में दिखाना है, तो आप क्या करोगे 1/100 से गुणा करोगे, और किसी भी अनुपात या भिन्न को आपको प्रतिशत में बदलना है तो आप 100 से गुणा करोगे। है ना, यहां से आप ये भी समझ सकते हैं कि हम 100 से ही गुणा क्यों कर रहे हैं, 100 से ही भाग क्यों दे रहे हैं। प्रतिशत का मतलब ही 100 से होता है, 100 में कितना। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई 1% का मान बता दो, तो आप कहोगे 1/100, है ना, 1% का मान 1/100। मैं आपसे कहूं कि 100 का 1% कितना, तो 100 का 1% 1 है। मैं कहूं कि 100 का 5% कितना है, आप कहोगे 5। 100 का 10% कितना है, आप कहोगे 10। आप सरल कर सकते हो, सरल करके आप देखोगे कि आपको यही मान प्राप्त हो रहा है। तो 100 में जो प्रतिशत मान होता है वही उसका वास्तविक मान होता है, 100 का जो प्रतिशत मान होता है वही उसका वास्तविक मान होता है, 100 का जो प्रतिशत मान होता है वही उसका वास्तविक मान होता है। इसीलिए प्रतिशत का मान ही होता है 1/100। ये दिखाता है कि 100 में 1 क्या है, 1% है, 1% को 1% लिख सकता हूं मैं। तो यहां से हमने इतनी सी बात समझी कि प्रतिशत क्या है, प्रतिशत मतलब 100 में क्या, 100 में जो मान प्राप्त होगा, 100 में कितना, 100 में जो मान प्राप्त होगा वही प्रतिशत में कहा जाएगा। चलिए अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यही परसेंटेज था, परसेंटेज को बहुत आसानी से हमने पढ़ लिया, अब हम सवाल करते हैं। बहुत तरह तरह के सवाल हैं, 10 15 20 तरह के टाइप के सवाल हैं जिसको हम बहुत आसानी से समझेंगे। पहला, टाइप नंबर 1, अगर मैं कहूं दो अनुपाते पांच का प्रतिशत मान क्या है, या फिर इस अनुपात को प्रतिशत में बदलो, तो आप कहोगे 2/5 को मैं लिखता हूं 2/5, इसका मतलब अनुपात एक प्रकार का भिन्न ही है, तो 2/5 को प्रतिशत में चेंज करना है, तो 100 से गुणा, 5 × 10, 20 × 40, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 2/5 ही क्या है, 40% के बराबर है। तो यहां से हमने देखा कि अनुपात ही क्या है, प्रतिशत। कहने का मतलब
कि 2:5 लिखो या इसको आप 40% लिखो, एक तो इसका मतलब अनुपात ही क्या है, प्रतिशत है ना। कहने का मतलब है किसी भी अनुपात में अगर हम 100 से गुणा कर देते हैं, किसी भी अनुपात में अगर हम 100 से गुणा कर देते हैं तो वो किसका, प्रतिशत का रूप ले लेता है। कुछ करना नहीं है आपको, ज्यादा से एक अनुपात है उसमें केवल एक डंडी लगा देना है और ये डंडी क्या बताएगी कि आपने केवल और केवल प्रतिशत से गुणा कर दिया है। तो अनुपात में जैसे ही आप 100 चिपका देते हैं इसके बीच में एक डंडी आ जाती है और ये प्रतिशत बन जाता है। तो आपने ध्यान देगा कि जो आप अनुपात चैप्टर पढ़ते हो और प्रतिशत चैप्टर पढ़ते हो दोनों एक ही चैप्टर है, बस अलग अलग नाम से संबोधित किए जाते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से इस तरह के सवाल का अब आप उत्तर दे पाएंगे। कोई भी अनुपात को अगर प्रतिशत मान में आपसे पूछा जाएगा तो आप केवल 100 चिपका दोगे, आपको प्रतिशत में उत्तर मिल जाएगा। तो टाइप नंबर एक में यही था, टाइप नंबर दो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप नंबर दो में हम तीन चीजें पढ़ेंगे, ए बी और सी, ठीक है। टाइप नंबर दो में क्या है, ये का से संबंधित प्रश्न। टाइप नंबर बी में प्रतिशत वृद्धि से प्रश्न, और टाइप नंबर सी है जो उसमें है प्रतिशत कमी से प्रश्न। टाइप नंबर दो में ये तीन चीजें हम पढ़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। आइए टाइप नंबर दो का पहला देखते हैं, का से संबंधित प्रश्न। बहुत ही आसान सवाल होते हैं और इसका आना एकदम तय है कि एक सवाल यहां से मिलता ही मिलता है। पहला सवाल जैसे हम देखते हैं, यहां पर सवाल हमारा है कि 1575 का कितने प्रतिशत है। बहुत ध्यान समझिएगा, मैं बहुत आसानी से आपको समझाऊंगा, बहुत मजा आने वाला है आपको, आप ध्यान दीजिएगा बस, ठीक है। आपको अगर ये समझ में नहीं आता है कि सवाल को मैं कैसे करूं तो आप केवल प्रतिशत ही हटा दो। 1575 का कितना है ना। जैसे सवाल को अगर मैं ये बदल दूं, पहले आप इसको हटा दो, आप इसको ले आओ, 20-40 का कितना है ना। क्योंकि ऐसे संख्या जैसे कि मैं कहूं 1/2 प्रतिशत, 1/2 जो भिन्न है उसका मतलब क्या है। तो आप कहोगे सर ये आधा लिख दियो आपने, आप कह दोगे 1/2 लिख दिया है, कोई लोग कहेंगे 50% लिख दिया है। कहने का मतलब है कुछ संख्याएं आपको पता नहीं है कैसे आती है, लेकिन आपके दिमाग में एक छवि बना के रखी हुई है बचपन से। जैसे मैं कहूंगी 20-40 का कितना है तो आप कहोगे आधा है सर, आधा है तो आधे का प्रतिशत मान कितना है 50, तो 50% है। कैसे आता है मैं बहुत ध्यान देता हूं। जैसे कि प्रतिशत का अपना अलग अलग अंदाज है जो आप बचपन से जानने बिना इस्तेमाल करते हो जीवन में। जैसे बचपन में जानते हो एक सवाल आता था ऐसे गोला बना बना के, है ना, ऐसे ये। अगर इस तरह से एक गेंद है और इस गेंद का मैंने 4 भागों में विभाजन कर दिया है और आपसे मैं पूछूं कि जो ये पहली गेंद है ना, ये पहली गेंद पूरी गेंद का कितना भाग है, और ये ऑप्शन दे दूं आपको चार्ट को, है ना, छायांकित भाग को बताओ। सबसे प्यारा सवाल, आओ छायांकित भाग को बताएं। तो अगर इस तरह की आकृति में आपको दिखा रहा हूं और आपको ऐसे बता दिया कि भाई इस छायांकित भाग को बताओ, तो आप बताओ 2/5, 2/3, 1/2, 1/4। सही जवाब क्या होगा, 1/4।
आप जहां भी बैठे हो इस सवाल को, जब भी मैं कोई सवाल पूछूं तो आप वहां पर खुद प्रयास किया करो, एक बार दिमाग जरूर लगाया करो। जैसे आप ये वीडियो बाद में देखोगे तो आप पॉज कर सकते हो, इससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होगी, आप यहीं पे अपनी प्रैक्टिस कर लोगे। आंसर ना आना बात की बात है, एटलीस्ट कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो इस छायांकित भाग का अगर भाग बताना था तो मैं देखता हूँ कुल कितने भाग हैं, 1, 2, 3, 4, कुल 4 भाग है, और छायांकित भाग कितने में है, 1 में, तो 1/4। अगर मैं ऐसे कर देता कि भैया अब छायांकित भाग बताओ तो आप क्या होता, फिर उत्तर क्या हो जाता फिर आ जाता 1/2। क्यों? क्योंकि छायांकित भाग कितने हैं, 4, और कुल कितने भाग हैं, 4, और छायांकित कितने हैं, 2। तो या तो 2/4 मतलब 1/2। या बहुत से तरीके हैं आप इस बात को समझ पाते हो कि हमने आधा, जितनी बड़ी गेंद थी उसके आधा को ही पोता है ना। तो अपनी अपनी छवि है। अब ये कैसे आता है, तो केवल आपको एक भिन्न की परिभाषा ही समझना है। तो आप भिन्न की परिभाषा समझ लो, किसी भी भिन्न में जो उसका हर होता है, हर वो उसके कुल मान को बताता है। आप प्रतिशत पढ़ रहे हो इसीलिए 100% जो मान होता है वो किसी भी भिन्न के डेनोमिनेटर में समाया होता है, और जो उसका अंश होता है, अंश हमेशा परिणाम बताता है कि क्या हो रहा है उस भिन्न के साथ या इस्तेमाल किया हुआ। या उस भिन्न का कितना भाग इस्तेमाल किया गया है, मतलब कितना इस्तेमाल किया गया है, ये यूज किया गया है। इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा आपको आज। तो 20-40 का कितना भाग है, तो मैं कहता हूं कि भाई 40 का के सापेक्ष में 40 है, मतलब 40 का कितना, 40 में बताना है आपको। तो आप 40 को नीचे लिख दो, बचा 20 वो ऊपर। तो हम 20/40 को कह सकते हैं कि 40 में 20 क्या है, 20/40। इसका मतलब है कि 20-40 का कितना भाग है, तो 20 × 1 = 20, 20 × 2 = 40, 20-40 का कितना है, आधा है। अब मुझे याद आ गया कितना नहीं पूछ रहा था, कितना प्रतिशत पूछ रहा था, तो प्रतिशत का बताना है तो 100 से गुणा कर देंगे, 2×5 = 10, मतलब कितना आ गया, 50%। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बनते हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि परसेंटेज जो जानते हैं वो है क्या। जैसे 15/75 का कितने प्रतिशत है, तो का के सापेक्ष में 75, तो 75 ऊपर 15, प्रतिशत बताना है गुणे में 100। 15 × 1 = 15, 15 × 5 = 75, 5 × 5 = 10, कितना आ गया, 20%, है ना। कहने का मतलब है मैं पूछ लूं 30 का कितने प्रतिशत साढ़े सात है, 3 का कितने प्रतिशत 7.5 है, तो इसका मतलब 30 का के सापेक्ष में क्या है, 30, तो 30 नीचे ऊपर 7.5 × 100, 0 से 0 कट गया, 7.5, 7.5 को मैं क्या लिखता हूँ, 15/2, तो 15/2 × 3 × 100, 3×15 = 2×10, कितना आ गया, 5×25% है ना। 30 का कितना प्रतिशत, कहीं गलत हो रहा है क्या, अच्छा 10 यहाँ पे था, तो ये आ गया 1 0 बस बचेगा, 2×5 = 10, 5×25% तो ऐसे ऐसे चीजों को हमको समझना है। कहने का मतलब है इस तरह के सवाल में जब भी 2% के ऐसे सवाल बनते हैं तो जो भी का से पहले आता है वो हमेशा नीचे आ जाता है, सापेक्ष में आ जाता है। इसे हम अगली क्लास में सीखेंगे। तो इस क्लास में मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया कि प्रतिशत मान हम कैसे बताते हैं। तो आप हमारे साथ बने रखिएगा, अपनी उम्मीदों को और अपने उत्साह को बनाए रखिएगा। मैं फिर से प्रस्तुत होऊंगा अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।